नमस्कार दोस्तों, आज मैं गीता का एक श्लोक दिखाऊंगा जिसमें झूठी बात लिखी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह सबसे पहले मैंने सूर्य और व्युत्सान को दिया था, और व्युत्सान ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इसका अर्थ है, गीता का जो ज्ञान है मनु उससे परिचित थे, और हिंदू अथवा सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनु द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ मनुस्मृति है। तो चलिए पहले गीता पर चलते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, अर्थात कृष्ण के अनुसार वेदों में सामवेद की महत्ता सबसे अधिक है और बाकी सारे वेदों की कम। अभी बात करते हैं मनुस्मृति की। इसके चौथे अध्याय का 123वां श्लोक कहता है कि सामवेद की ध्वनि सुनाई पड़ते रहने पर ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन कदापि न करें। इसके अगले श्लोक में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। उसके अनुसार सामवेद के पिता देवता हैं, इसलिए उसकी ध्वनि अपवित्र मानी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गीता सामवेद को सबसे अधिक महत्व दे रही है, और वहीं मनुस्मृति सामवेद को अपवित्र मानती है, और वैदिक परंपरा भी सबसे अधिक महत्व ऋग्वेद को देती है, ना कि सामवेद को। और गीता में यह भी लिखा है कि गीता का जो ज्ञान है मनु को भी मिला था। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि यदि मनु को भी गीता का ज्ञान मिला था, तो मनु ने गीता के विपरीत जाकर मनुस्मृति में सामवेद को अपवित्र क्यों लिखा है? अब क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मनुस्मृति पहले आई और गीता बाद में, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि गीता में यह बात झूठ लिखी है कि गीता का ज्ञान मनु को भी मिला था।